अपने पास में क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री ए माइनस फोर, देन फाइंड ए। इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर एफ एक्स जो है वो क्या है ऑड फंक्शन बन रहा है, और ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर एफ एक्स जो है वो कैसा बन रहा है इवन फंक्शन बन रहा है। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि अपन ने फिफ्थ नंबर पॉइंट में अपन ने पढ़ा है कि अगर ऑड फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन के लिए इवन पार्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो ये जो भी फंक्शन है इसमें देख लो इवन पार्ट कौन सा बन सकता है भाई, इवन पार्ट कौन सा बनेगा, थ्री एम माइनस फोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री ए माइनस फोर इक्वल हो जाना चाहिए किसके, ए का वैल्यू फोर बाय थ्री हो जाएगा भाई। अरे आना बोलो भाई। यस सर। सेकंड नंबर पे फॉर इवन फंक्शन ऑड पार्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवन सॉरी ऑड पार्ट इसका क्या आ रहा है, एक माइनस टू का एक इक्वल टू जीरो जाएगा, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। यस सर। और या फिर अपन क्या कर सकते थे, ये तो क्या इसका मेथड फर्स्ट, सेकंड मेथड फॉर ऑड फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाना चाहिए भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाना चाहिए किसके, जीरो के। ये तो कंडीशन होती है ऑड फंक्शन के लिए। यस सर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स के, तो यहां से देखो a माइनस टू टाइम्स x और प्लस हो जाएगा थ्री ए माइनस फोर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, a माइनस टू टाइम्स माइनस ऑफ x और प्लस थ्री ए माइनस फोर, थ्री ए से थ्री ए कैंसिल आउट हो गया, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया। सर ये माइनस का होगा ना इक्वल में, हाँ इक्वल में माइनस का होगा, या फिर ऐसा कर दो ना यहाँ पे प्लस इक्वल टू जीरो कर दो। यस सर। ओके यस सर। ये हो गया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया, तो थ्री ए माइनस फोर इक्वल हो जाएगा जीरो के, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, सिमिलर फॉर इवन फंक्शन, इवन इवन के लिए क्या हो जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाना चाहिए किसके, जीरो के, जीरो के। तो यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके बढ़े आगे। एक मिनट सर, ये नोट करने दो जी। बाय चांस क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो समझ लेना कि मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। ओके सर। और जब तक कि मेरा सेलफोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता तब तक क्लास चलेगी। डन सर। ओके क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 times greatest integer of a plus 4 times x cube minus
six times fractional part of a ka square minus five times fractional part of a plus one times x plus tan x into secant x if fx is an even function, then find all the possible values of a. All the possible values of a. तो अपने को अच्छे से पता है कि इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाना चाहिए भाई? ओड फंक्शन जीरो। ओड पार्ट जो है वो क्या हो जाना चाहिए? इक्वल टू जीरो। तो इस ये जो भी फंक्शन है इसमें ओड पार्ट बताओ क्या क्या हो रहा है। ये वाला ऑड पार्ट है, x क्यूब का कोफिशिएंट है, ये ऑड फंक्शन है। यस सर। ये x का कोफिशिएंट है, x का पार्ट है, मतलब ये वाला फंक्शन भी कैसा है, ऑड फंक्शन है। tan x into sin x, tan of minus x minus of sin x minus minus plus को f को इक्वल है f of minus x के। यस। अरे आ रहा है ना समझ में सर, x क्यूब वाला ऑड कैसे? क्या हुआ? x क्यूब वाला बेटा, x क्यूब तो ऑड ही होता है। x क्यूब तो ऑड फंक्शन ही तो होता है बेटा। सर अगर x क्यूब की बात कर रहे हैं तो x इनटू x स्क्वायर x क्यूब है। हाँ. तो तुम कहना चाहते हो कि सर इसको x स्क्वायर इनटू x लिख दें? हाँ। तो ये कैसा? इवन। ये कैसा? ऑड। और इवन इनटू ऑड कैसा? ऑड। बेटा नंबर की बात नहीं हो रही है, वो 2 इनटू 3 6 हो जाता है, वो वाली बात नहीं हो रही है। ओके 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 ठीक है ना? ओके चलिए, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑड पार्ट जीरो हो जाएगा, दैट मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए प्लस फोर अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, मतलब ऑड पार्ट जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सिक्स टाइम्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव टाइम्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए और प्लस वन इक्वल हो जाना चाहिए किसके? जीरो के। ओके okay. यहां से इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं भी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए माइनस द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए प्लस फोर इक्वल हो जाना चाहिए किसके? जीरो के। दैट मींस यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा भी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए माइनस फोर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए की वैल्यू क्या क्या आई, फोर और वन, फोर एंड वन। ओके वन टू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भी ये तो हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यस ए वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए की वैल्यूज क्या क्या आ गई,
वन बाय टू एंड वन बाय थ्री. ओके ए क्या होता है अपना इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. ओके तो ए का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा एक बार के लिए वन प्लस वन बाय टू. यस सर. वन प्लस वन बाय थ्री. फोर प्लस वन बाय टू. फोर प्लस वन बाय थ्री. कितना जाएगा थ्री बाय टू हो सकता है वैल्यू. थ्री बाय टू होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए तो इसका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट वन बाय टू हो जाएगा. सिमिलर ए कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री हो जाएगा. फोर बाय थ्री. ये कितना हो जाएगा नाइन बाय टू. और ये थर्टीन बाय थर्टीन बाय थ्री. थर्टीन बाय थ्री ये आ जाएगी वैल्यू. ओके हो गया ये. अभी भी बैटरी 3% है. चलिए होमवर्क तो लिख ही लेंगे इतने में. शायद किसी ने कुछ मैसेज लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है वो. मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि भी हटा ही दी है ब्राइटनेस. ओके थम्स अप किया किसी ने. अच्छी बात है हर्षा भाई. चलिए हो गया नोट डाउन. ये हो गया क्या नोट डाउन. अरे बोलो भाई. यस सर हो गया. यस सर डन. होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन है. चेक फॉर ऑड एंड इवन. fx is equal to लिखा हुआ तुम्हारे पास 2 to the power x cube minus x square upon x minus 1. Second question is let f minus 20 to 20 say R में define है. Such that fx is equals to x square by a sin x plus cos x if fx is an even fx is even then find A belongs to. यार ये क्या है इंटीग्रल पार्ट है ना. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना कि ये जी आई एफ है. ठीक है ना. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये लिखना है अपने को कि ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जीआईएफ को डिनोट कर रहा था और वो फ्रैक्शनल पार्ट है ना. इसमें भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हो जाएगा प्रूफ है. That fx is equals to x times sin x plus tan x
x plus pi upon pi minus 1 by 2. And x is not equals to n pi is an odd function. Okay? सर यहाँ पे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नहीं डिनोट करा कौन है सर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे इसने कुछ मेंशन नहीं किया है हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही डिनोट कर रहा है ओके सर नोट डाउन ये यस सर यस सर बढ़े आगे यस सर यस चलो रहने देते हैं मोबाइल जो है वो 1% बैटरी बची है तो इसको स्विच ऑफ होने से बचा ही लेते हैं बेचारे ठीक है ना यस सर ओके चलिए तो बाकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखो मस्त रहो व्यस्त रहो बढ़िया से पढ़ाई ओके थैंक यू सर ओके बेटा बाय